धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम डोगरी में कल शाम हल्की बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें करंट लगने से दो बैलों की मृत्यु हो गई। वहीं तांगा चला रहे युवक को करंट का झटका लगा, जिससे युवक ने तांगे से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, जिससे कुछ देर तक युवक सदमे में रहा। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है युवक अपने खेत में खेती का काम कर बैल तांगा लेकर घर लौट रहा था, तभी गाँव के समीप रहवासी बस्ती में हल्की बारिश के चलते एक पेड़ की डाली जो बिजली के तारों से लगी हुई थी अचानक गिर गई, जिससे बिजली के तार तांगे पर आ गिरे, जिससे तांगा चालक प्रकाश को करंट का झटका लगा और वो तांगे से जा गिरा। वहीं दोनों बैलों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनपद प्रतिनिधि महेंद्र ठाकुर मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय विधायक से मदद हेतु चर्चा की। वहीं खुद महेंद्र ठाकुर ने पीड़ित को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। बताया ये भी जा रहा है कि इस हादसे में विद्युत विभाग की लापरवाही है। बारिश में पहले जो मेंटेनेंस का कार्य हुआ वो नहीं हुआ और क्षेत्र में कई स्थानों पर तार झूल रहे हैं और पेड़ से लगे हुए हैं, जिसमें हमेशा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। कल हुए इस दर्दनाक हादसे का कारण भी कहीं न कहीं विद्युत विभाग ही है। अगर समय पर पेड़ की कमजोर डालियों को काट दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। आपका नाम? प्रकाश पिता चंद्र सिंह। आपके जज बेल जो हादसे में जो मृत्यु हुई, क्या पूरा मामला? खेत में कोलपा जो अपने गया था, वापस आने में पानी आया, पानी गिर रहा था, मैं आ रहा था गांव के पास ही आ गया, जैसे झाड़ गिरा मेरे को लगा कि झाड़ गिर रहा था, मैंने बेल रोके मगर रुके नहीं, तो रुकने तार गिरा वैसे बेलों पे गिरा, मेरे को झटका लगा, मैं कूद के हट गया था दूर। ठीक। अच्छा चंदर, चंदर जी आपके जो बेल है सर, ये वहाँ से क्या था, खेत से बच्चा आउट गेर के आ रहा था, रास्ते में जैसे आ रहा था तो पानी हवा आई और एक तार टूटे बिजली के, तो उसमें ये तो गाड़ी बेल पे ही गिरे, अपना बच्चा को झटका लगा और दूर फेंका गया, तो उसकी जान तो बच गई पर बेल दोनों गए। दोनों बेल क्या कीमत इस पे? सर ये करीब 80,000 के। दोनों हजार अस्सी हजार के। Subscribe now to most exciting channel ever.